नमस्ते दोस्तों, पहले 13 वर्ष जब तक मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मक्का में थे, वहाँ पर क्योंकि फॉलोइंग बहुत ज़्यादा नहीं थी, इसलिए कोई रिचुअल्स भी ज़्यादा नहीं थे। सिर्फ वो जो अपनी सलात या नमाज करते थे, उसमें इधर उधर जो आगे पीछे झुकने वाले रिचुअल्स, ये तो थे, लेकिन इनके अलावा कोई त्यौहार इनका अपना नहीं था। जब ये वहाँ से हिजरत करके मदीना पहुँचते हैं, तो अभी कुछ ही महीने हुए थे, तो उन्होंने वहाँ पर देखा कि जो यहूदी रहते थे वो अपना एक त्यौहार मनाने की तैयारियाँ कर रहे थे। अब मक्का में क्योंकि यहूदी बहुत कम थे, तो इस तरह के त्यौहार भी देखने को नहीं मिले, लेकिन क्योंकि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने अपने सारे का सारा पैटर्न अभी तक का यहूदियों के जो रिलीजन है जूडाइज़म, उसी के बेसिस पे बनाया था, तो इसलिए जब इसने देखा कि यहाँ पर ये लोग एक कोई त्यौहार मनाने वाले हैं, तो इसने जाकर यहूदियों से पूछा कि आप ये त्यौहार किस लिए मना रहे हैं। अब ये जो त्यौहार है, इसे यौम किपर कहते हैं। यौम किपुर में जो यहूदी हैं वो पश्चाताप करते हैं, उन्हें ये दिन पश्चाताप के रूप में मनाया जाता है, और लगभग 25 घंटे लगातार वो व्रत रखते हैं, जिसमें ना खाना है, ना पीना है, ना कोई मौज मस्ती करनी है, और ना ही किसी के साथ शारीरिक संबंध स्थापित करने हैं। तो लगभग 25 घंटे इसे मनाया जाता है, एक दिन जब सूर्यास्त होता है उससे लेके अगले दिन के सूर्यास्त तक ऐसा किया जाता है। और आज भी यदि आप यहूदियों को देखेंगे, तो इन 24-25 घंटों के लिए वो जो कोशिश उनकी होती है वो ये है कि वो अपने सिनागॉग में जाकर, जिसे हम यहूदियों का मंदिर कह सकते हैं, वहाँ जाकर प्रार्थना करते हैं, वहाँ पर साफ़ सफाई करते हैं, या जो भी सामाजिक गतिविधियाँ हैं उन्हीं में पार्टिसिपेट करते हैं। इसका जो रेफरेंस है वो हमें मिलता है जो यहूदियों की किताब है तौरात, उसकी लेवाइटिकस वाला जो पोर्शन है उसकी 23वें अध्याय में जो 27वीं लाइन है, वहाँ पर आपको इसका रेफरेंस मिलेगा। द लॉर्ड सेड टू मोसेस, द 10th डे ऑफ दिस 7th मंथ इज द डे ऑफ अटोनमेंट, होल्ड अ सेक्रेड असेंबली एंड डिनाई योरसेल्व्स एंड प्रेजेंट अ फूड ऑफरिंग टू द लॉर्ड। तो जो ये रेफरेंस है ये बताता है कि जो ये यहूदियों का गॉड है, उसने मूसा से कहा था कि इस दिन को तुमने व्रत के रूप में मनाना है, डे ऑफ अटोनमेंट मनाना है इसे। लेकिन जब मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने मदीना में उन यहूदियों से पूछा, तो या तो उन यहूदियों को इसके बारे में ठीक से नहीं पता था, या उन्होंने जानबूझ के मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को गलत सूचना दी। उन्होंने मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को कहा कि ये हम उस दिन के रूप में मनाते हैं जिस दिन मूसा और उसके साथियों को, जो फिरौन था, जो ग्रीक का राजा था, उससे छुटकारा मिला था, कि वो उसके बंधन से आज़ाद होकर उस दिन भागे थे वहाँ से। इस्लाम की किताबों में इसका जो रेफरेंस है वो हमें हदीसों में मिलता है, और क्योंकि हदीस बुखारी बहुत ऑथेंटिक मानी जाती है, तो सही बुखारी में जो हदीस, जो किताब नंबर 31 है, उसकी हदीस नंबर 222 हमें ये बताती है कि यहूदियों ने ये मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को बताया था। अब कई लोग इसको मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की एक कमज़ोरी भी मानते हैं, कि यदि वो इतना ही बड़ा पैगंबर था तो उसे क्यों नहीं पता था कि व्रत किस लिए रखा गया, क्यों उसे यहूदियों से पूछना पड़ा। और दूसरी चीज़ कि यहूदियों ने जब उसे गलत बताया तो भी उसने इस पर विश्वास कर लिया। अब इसके प्रत्युत्तर में इसी हदीस में हमें रेफरेंस मिलता है कि जब उसे बताया गया तो मोहम्मद ने यहूदियों को उत्तर दिया कि अच्छा, अगर तो ये मूसा का है तो मूसा पर तो तुमसे ज़्यादा हक हम मुसलमानों का है, तो हम इस त्यौहार को मनाएंगे। तो इस तरह से जो पहला वर्ष था हिजरत का, उसमें इस त्यौहार को मनाया गया। लेकिन क्योंकि फिर धीरे धीरे यहूदियों से कड़वाहट बढ़ती जा रही थी, उनसे दुश्मनी हो गई थी, और जब तक हिजरत के 2 वर्ष पूरे हुए, 2.5 वर्ष पूरे हुए, तब तक बदर वाली जंग जीत चुके थे, यहूदियों से खुल्लम खुल्ला चैलेंज हो चुका था, बनू कैनुका को निकाला जा चुका था, और यहूदियों की हत्या भी की जा चुकी थी, जैसे हम काब बिन अशरफ की हत्या हुई देख चुके हैं। अब क्योंकि यहूदियों से संबंध टूट चुका था, तो उनका त्यौहार मनाना भी ठीक नहीं था, लेकिन इमीडिएटली उसको रिजेक्ट भी नहीं किया जा सकता था। तो इसलिए ये जो यौम किपुर है, इसे आज यौम अशूरा के नाम से इस्लाम में जाना जाता है, और जो सुन्नी मुसलमान हैं उनके लिए इसे मनाना या ना मनाना उनकी अपनी इच्छा पर है, क्योंकि इसको कोई इन्फोर्स नहीं किया गया था बाद में। जबकि अब इसमें एक कोइंसिडेंस क्या हुआ कि यहाँ अभी हमारी कहानी जिस समय पर चल रही है, अभी जो अली है वो लगभग 20-22 वर्ष का यंग लड़का है, इससे 3-4 साल बाद उसकी शादी हो जाएगी मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की बेटी फातिमा के साथ, फिर इनका एक बेटा होगा, उस बेटे का नाम हुसैन है, और जब वो लगभग 55 वर्ष का होता है तो करबला की लड़ाई में उसकी हत्या कर दी जाती है। अब जो शिया मुसलमान है, क्योंकि वो
हुसैन को और अली को ज़्यादा मानते हैं, इसलिए जो शिया हैं वो इसी दिन को, इस त्यौहार को मनाते हैं, लेकिन उसे यौम किपर नहीं कहा जाता, उसे यौम अशूरा कहा जाता है। अब जो शिया मुसलमान हैं, मुहर्रम का जो दसवां दिन है वो मनाते हैं यौम अशूरा के रूप में, जबकि जो यहूदी हैं उनके कैलेंडर का ये सातवां महीना है, उसका दसवां ही दिन है, जिसे यौम किपर के रूप में मनाया जाता है। बहरहाल अब हुआ क्या कि जैसे जैसे समय बीतना शुरू हुआ तो अपने लिए कुछ त्यौहार तो मनाने थे, कोई त्यौहार बनाने भी थे। अब एक तो चेंज आया कि जो किबला था उसको जेरूसलम से शिफ्ट करके काबा की ओर कर दिया गया था, जिससे मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के मैक्सिमम चेले खुश थे क्योंकि वो काबा से चल के आए थे। अब दूसरा काम क्या किया गया कि ये जो व्रत बनाना था इसको चेंज करके मक्का की जो रीति रिवाज थे उनके साथ मिलाने की कोशिश की जा रही थी। अब मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने नया त्यौहार मनाना था तो उसे आज हम रमज़ान के रूप में देखते हैं और उसी को आज हम ट्रैक करेंगे कि रमज़ान में किस तरह से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंजेस आए हैं। तो व्रत तो रखा जाता है, पैटर्न यहूदियों से लिया गया लेकिन उसमें कुछ चेंजेस कर दिए गए। ये हमें विलियम मुइर की किताब में भी देखने को मिलता है, पेज नंबर 185 पर वो इसके बारे में उल्लेख करते हैं। जब पहली बार त्यौहार मनाया गया तो क्योंकि हर चीज़ अल्लाह मियाँ के हुक्म से की जाती है, तो आप देखेंगे कि कुरान में जो दूसरा अध्याय है, जो दूसरी सुरा है, उसकी आयत नंबर 183 व्रत रखने के बारे में बताती है। ऐ ईमानदारों, रोज़ा रखना जिस तरह तुमसे पहले के लोगों पर फ़र्ज़ था उसी तरह तुम पर भी फ़र्ज़ किया गया, ताकि तुम उसकी वजह से बहुत से गुनाहों से बचो। अब इससे जो अगली आयत है 184 नंबर, वो कई इंटरेस्टिंग चीज़ें बताती है, तो उसे देखते हैं। वह भी हमेशा नहीं बल्कि गिनती के चंद रोज़, इस पर भी रोज़े के दिनों में जो शख्स तुम में से बीमार हो या सफ़र में हो तो और दिनों में जितने कज़ा हुए हों गिन के रख ले, और जिन्हें रोज़ा रखने की कुव्वत है और ना रखें तो उन पर उसका बदला एक मोहताज को खाना खिलाना देना है, और जो शख्स अपनी खुशी से भलाई करे तो ये उसके लिए ज़्यादा बेहतर है, और अगर तुम समझदार हो तो समझ लो कि फिदे से रोज़ा रखना तुम्हारे हक में बहरहाल अच्छा है। अब अल्लाह मियाँ की ये जो आयत है इसमें दो तीन चीज़ें ध्यान देने लायक हैं कि आज आप देखते हैं कि रमज़ान का जो पूरा महीना है उसमें रोज़े रखे जाते हैं, लेकिन इनिशियली इस तरह का कोई जो ये रेगिस्तानी गॉड है अल्लाह नाम का, उसका ऐसा कोई हुक्म इनिशियली नहीं है। चंद रोज़ रखने हैं, वो स्पेसिफाइड नहीं है कि कौन से दिनों में रखा जाएगा। अब आप भी इसको समझ सकते हैं, जैसा मैंने बताया कि जो यहूदी हैं वो उन 25 घंटों के लिए ना कुछ खाते हैं ना कुछ पीते हैं, तो यदि इसी पैटर्न पर मनाया जाएगा एक महीना तो कोई भूखा प्यासा नहीं रहता, तो सबकी मृत्यु हो जानी थी, इसलिए ये चंद रोज़ रखे गए। दूसरी अगली चीज़ इसमें जो ध्यान देने लायक है, यहाँ ये बताया जा रहा है कि जो बीमार हैं, जो सफ़र में हैं, उनको रखना ज़रूरी नहीं है। इनफैक्ट जिनमें हिम्मत है, जिनमें शक्ति है रखने की, अगर वो भी नहीं रखना चाहते तो उनके लिए भी रास्ता खुला हुआ है कि वो एक अगर किसी गरीब को खाना खिला देंगे तो उनको ये रोज़े रखने की आवश्यकता नहीं है। और फिर लास्ट में वो बोलते हैं कि बहरहाल आपको ऐसा करना है, बाद में इसको चेंज किया जा सकता है, जो कि वाकई में होने वाला भी है। अब क्या सच में ऐसा करते थे लोग कि जो रख सकते थे और नहीं रखते थे? तो इसका रेफरेंस हमें जो कुरान की तफसीर है जो इब्न कथीर ने लिखी थी आज से लगभग 700-800 साल पहले, उसमें देखने को मिलता है। उसका जो वॉल्यूम 1 है उसके पेज नंबर 518 पे वो क्लियरली बताता है, इन द बिगिनिंग दोज हु विश्ड फास्टेड एंड दोज हु विश्ड डिड नॉट फास्ट एंड फेड अ पुअर पर्सन फॉर ईच डे, के जो रोज़े रखना चाहते थे वो रख लेते थे, जो नहीं रखना चाहते थे वो एक गरीब को खाना खिला के फारिग हो जाते थे। ये उन दिनों की बात है जब मोहम्मद बिन अब्दुल्ला जो इनका जो पैगंबर है वो जीवित था। अब इसमें वो एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताता है जिसमें वो बुखारी की ही रेफरेंस ले रहा है। When the ayah was revealed, those who did not wish to fast used to pay the fidya until the following ayat 2185 was revealed, abrogating the previous ayat. अब यहाँ ये जो शब्द फिदया यूज़ हो रहा है कि किसी चीज़ के बदले में आप जो करते हैं उसे फिदया कहा जाता है, तो जो लोग रखना चाहते थे वो रखते थे, जो नहीं रखना चाहते थे वो फिदया के रूप में किसी एक व्यक्ति को खाना खिला देते थे। फिर जब अगली आयत नाजिल हुई तो उसने इस पहले वाली आयत को एब्रोगेट कर दिया, कैंसिल कर दिया, मनसूख कर दिया, जो इस्लाम का एक और एक कॉन्सेप्ट है कि अल्लाह मियाँ नई नई आयतें भेजते रहते हैं
और अगर कोई बाद वाली आयत पहले वाली को कॉन्ट्राडिक्ट करती है तो पहले वाली कैंसिल हो जाती है और बाद वाली को मान लिया जाता है। इसमें भी बहुत से लोग सवाल उठाते हैं कि किस तरह का गॉड है अरेबिया का कि अपना माइंड चेंज कर लेता है, कि कुछ दिन के लिए एक ऑर्डर होता है फिर दूसरा ऑर्डर आ जाता है। लेकिन हम उसमें नहीं जाएंगे, अभी आगे चलते हैं। अभी अगली आयत देखते हैं, आयत नंबर 185। रोज़ों का महीना रमज़ान है जिसमें कुरान नाजिल किया गया जो लोगों का रहनुमा है, और उसमें रहनुमाई और हक व बातिल के तमीज़ की रोशन निशानियां हैं। मुसलमानों, तुम में से जो शख्स इस महीने में अपनी जगह पर हो तो उसको चाहिए कि रोज़ा रखे, और जो शख्स बीमार हो या फिर सफ़र में हो तो और दिनों में रोज़े की गिनती पूरी करे। अल्लाह तुम्हारे साथ आसानी करना चाहता है और तुम्हारे साथ सख्ती नहीं चाहता, और शुमार का हुक्म इसलिए दिया है ताकि तुम रोज़ों की गिनती पूरी करो, और ताकि अल्लाह ने जो तुमको राह पर लगा दिया है उस नेमतों पर उसकी बड़ाई करो, और ताकि तुम शुक्रगुजार बनो। तो अल्लाह मियाँ का ये कहना है कि अब सभी को इसका पालन करना और पूरे एक महीने करना है। जितने दिन तुमसे छूट जाते हैं तो उसके बाद महीना पूरा होने के बाद उतने दिन फिर से व्रत रख के तुम उसको पूरा कर सकते हो। और अल्लाह मियाँ ये जो कंसेशन दे रहे हो इसलिए कि ताकि तुम अल्लाह मियाँ की बढ़ाई करो, अल्लाह मियाँ की प्रेज़ करो। अब एक बार फिर से जो इब्न कथीर की 519 नंबर पेज है वो एक बार फिर से बताता है कि इस आयत ने पिछली आयत को एब्रोगेट कर दिया, उसको कैंसिल कर दिया। अच्छा, दूसरी चीज़ कि जब आप सफ़र कर रहे हैं उसमें भी थोड़ी सी यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन दिखाई देती है। यहाँ पे वो एक एग्ज़ाम्पल दे रहा है कि जब ये मक्का पे अटैक करने जा रहे थे मोहम्मद बिन अब्दुल्ला और उसके जितने चेले थे उस टाइम पे, तो मक्का पे हमला करना था, रमज़ान का महीना चल रहा था, तो उन दिनों में भी कुछ लोग रोज़े रखते थे कुछ लोग नहीं रखते थे, तो एक दूसरे की निंदा नहीं की जाती थी। जो रखेगा वो भी ठीक है, जो नहीं रखेगा वो भी ठीक है। अब जो अगली आयत है, आयत नंबर 186, उसमें अल्लाह मियाँ थोड़ा सा और स्पष्ट करते हैं। ऐ रसूल, जब मेरे बंदे मेरा हाल तुमसे पूछें तो कह दो कि मैं उनके पास ही हूँ, और जब मुझसे कोई दुआ मांगता है तो मैं हर दुआ करने वालों की दुआ सुन लेता हूँ, और जो मुनासिब हो तो कबूल करता हूँ। बस उन्हें चाहिए कि मेरा भी कहना माने और मुझ पर ईमान लाएं। तो अल्लाह मियाँ इतना उनको कहते हैं कि तुम्हें मेरे ऊपर ईमान रखना चाहिए और मेरी बात माननी चाहिए, मैं तुम्हारे लिए इतने सारे कंसेशंस दे रहा हूँ। अब देखते हैं कि आगे क्या कंसेशंस मिलते हैं। ताकि वह सीधी राह पर आ जाएं, मुसलमानों, तुम्हारे वास्ते रोज़ों की रातों में अपनी बीवियों के पास जाना हलाल कर दिया गया, औरतें गोया तुम्हारी चोली हैं। अब यहाँ ये हिंदी की जो ट्रांसलेशन मैं पढ़ रहा हूँ इसमें चोली शब्द यूज़ किया है। जो मूल अरबी आयत है उसमें जो शब्द है वो लिबास है, यानी पहनावा है। और तुम गोया उनके दामन हो, अल्लाह ने देखा कि तुम गुनाह करके अपना नुकसान करते कि आँख बचा के अपनी बीवी के पास चले जाते थे, तो उसने तुम्हारी तौबा कबूल की और तुम्हारी खता से दरगुजर किया। बस तुम अब उनसे हम बिस्तरी करो और औलाद, जो कुछ अल्लाह ने तुम्हारे लिए तकदीर में लिख दिया है उसे मांगो और खाओ और पियो, यहाँ तक कि सुबह की सफ़ेद धारी रात की काली धारी से आसमान पर पूरब की तरफ तक तुम्हें साफ नज़र आने लगे। फिर रात तक रोज़ा पूरा करो, और हाँ, जब तुम मस्जिदों में इत्तेकाफ करने बैठो तो उससे रात को भी हम बिस्तरी ना करो। ये अल्लाह की मुय्यन की हुई हदें हैं, तो तुम उनके पास भी ना जाना। यूँ खुल्लम खुल्ला अल्लाह अपने अहकाम लोगों के सामने बयान करता है ताकि वह लोग नाफरमानी से बचें। तो अब अल्लाह मियाँ इस आयत में एक बहुत बड़ा डिस्काउंट दे रहे हैं। वही कह रहे हैं कि तुम चाहो अब तुम छुप छुप के जाते हो। देखिए, व्रत रखा जाता है, हमारे देश में भी बहुत लोग व्रत रखते हैं, और यहाँ पर ये मान्यता है कि जब आप व्रत रखते हैं तो आप प्योरीफाई होते हैं, आपको अध्यात्म की ओर जाने में रुचि ज़्यादा बढ़ती है, और डिटॉक्सिफाई भी होते हैं, जो आजकल की अगर हम टर्मिनोलॉजी यूज़ करें तो इसमें, जब तो आप एक धार्मिक रूप से एक आध्यात्मिक दृष्टि से करते हैं तो आपको खाने पीने पर नियंत्रण रखना है, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना होता है, तो उसी में ही ब्रह्मचर्य का व्रत भी आ जाता है कि जब आप व्रत पे हैं तो इस तरह के काम आपको नहीं करने। लेकिन हम देख चुके हैं कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के किस तरह के चेले थे, उनकी किस तरह की अप्रोच थी जीवन के लिए, कि वो लूटते पाटते भी थे और हत्याएं भी करते थे,
तो अब ये व्रत रखना शायद उनके लिए कठिन था, इसलिए रात को छिप छिप के वो अपनी पत्नियों के पास पहुंच जाते थे और इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त रहते थे। तो अल्लाह मियाँ को जब ये मिला, जब ये पता लगा, तो उन्होंने इसका भी डिस्काउंट उन्हें दे दिया कि तुम चाहो तो रात को खूब खुल के खाओ पियो और अपनी पत्नियों के साथ भी जो आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अब इसमें दो चीज़ें अलग अलग हैं। पहली ये कि एक महीना लगातार कोई भूखा प्यासा तो नहीं रह सकता, तो वो छूट दे दी गई। फिर इस तरह की छूट एक अलग से उनको दी जा रही है। और ये क्यों दी, अब ये छूट क्यों दी जा रही है, इसके बारे में हमें एक बार फिर से आज से 700 साल पहले लिखी हुई किताब में स्पष्टीकरण मिलता है। इब्न कथीर अपने दूसरे वॉल्यूम में पेज नंबर 6 पर बताते हैं, दीज आयत कंटेन अ रिलीफ फ्रॉम अल्लाह फॉर द मुस्लिम्स बाय एंडिंग द प्रैक्टिस दैट वॉज ऑब्जर्व इन अर्ली ईयर्स ऑफ इस्लाम। एट दैट टाइम्स मुस्लिम्स वर अलाउड टू ईट ड्रिंक एंड हैव सेक्शुअल इंटरकोर्स ओनली अंटिल द ईशा प्रेयर, अनलेस वन स्लीप्स बिफोर द ईशा प्रेयर प्रेयर दोज हु स्लेप्ट बिफोर ईशा और ऑफर्ड द ईशा प्रेयर वर नॉट अलाउड टू ड्रिंक ईट और सेक्शुअल इंटरकोर्स सेक्स अंटिल द नेक्स्ट नाइट, द मुस्लिम्स फाउंड दैट टू बी डिफिकल्ट फॉर देम। अब यहाँ वो अपने आप बता रहे हैं कि कुछ सालों का अंतराल है ये नई आयत आने के लिए। तो आयत नंबर 183-84 आई, उसके काफ़ी समय गैप के बाद 185 नंबर आयत आती है। अब इनको प्रॉब्लम क्या हो रही थी इसमें, कि इन्होंने ऐसी गतिविधियां मना की हुई थी और पहले उनको छूट थी कि जो ईशा, जो इनकी सूर्यास्त के बाद वाली सलात होती है, तब तक तो ये कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद अगर छूट गया, वो टाइम निकल गया, तो अब ये नहीं कर सकते। लेकिन ये मुसलमानों को करना बड़ा मुश्किल हो रहा था, इसलिए अल्लाह मियाँ ने ये वाली आयत इन पर भेज दी। अब इस आयत के बारे में दो तीन और रेफरेंसेस मिलते हैं, कहानियाँ मिलती हैं कि क्या इसके पीछे की स्टोरी थी। जैसे एक कोई किसान था, वो दिन भर मजदूरी कर रहा था, तो घर आया, उसने अपनी पत्नी से पूछा कि कुछ खाने को पड़ा है क्या, तो उसने कहा अभी पड़ा नहीं लेकिन मैं बना देती हूँ। तो जितने समय में वो बनाने लगी, इस व्यक्ति की आँख लग गई क्योंकि थका हुआ था। फिर जब उठा तो वो समय निकल चुका था, अब अगले दिन फिर से भूखा रहना है। तो अगले दिन दोपहर को उसको चक्कर आए और वो गिर गया। तो ये बात मोहम्मद बिन अब्दुल्ला तक पहुंच गई और इब्न कथीर बताता है कि इसलिए फिर ये आयत अल्लाह मियाँ को रिवील करनी पड़ी, उनको नाजिल करनी पड़ी। और जैसे ये आयत आई तो सारे मुसलमान बहुत खुश हो गए, दे वर डिलाइटेड। अब जो बुखारी की हदीसें हैं वो इस पर और ज़्यादा प्रकाश डालती हैं, उन पर ध्यान दीजिए। When fasting Ramadan was ordained, Muslims used to refrain from sleeping with their wives the entire month, but some men used to deceive themselves. Allah revealed. तो कुछ मुसलमान थे जो ये अपनी पत्नियों के साथ उन दिनों में भी व्यभिचार करते थे, वो रह नहीं पा रहे थे, तो फिर अल्लाह मियाँ ने इस आयत को नाजिल किया। अब ये जो फ्यू मुस्लिम्स हैं, कौन से मुसलमान थे, ज़रा उनका भी रेफरेंस देखते हैं। During the month of Ramadan, after Muslims would pray Isha, they would not touch their women and food until the next night. Then some Muslims, including Umar bin Al-Khattab, touched, had sex with their wives and had some food during Ramadan after Isha. They complained to Allah's Messenger, then Allah sent down. तो आपको समझ आ रहा होगा, आज से 1400 साल पहले एक व्यक्ति है जो बोलता है कि मैं पैगंबर हूँ, और वो अपने चेलों को कह रहा है कि तुम लोगों ने मेरी बात माननी है कि इस तरह से तुम लोगों को रोज़े रखने हैं। लेकिन जो उसके चेले हैं, और इनफैक्ट उमर बिन अल-ख़त्ताब जो उसका सबसे ख़ास दोस्त है और आगे जाकर उसका ससुर बनने वाला है, वो अपनी पत्नियों के साथ ये काम कर रहा है, खाना खाते हैं, खाना भी खा लेते हैं। तो इन चीज़ों को देखते हुए अल्लाह मियाँ ने उनके लिए डिस्काउंट ऑफ़र किया है कि तुम अगर चाहो तो इसको, ये आपके लिए अलाउड है, आपके लिए परमिशन मिल चुकी है इसके लिए। अगली आयत, आयत नंबर 188, और आपस में एक दूसरे का माल नाहक ना खाओ और ना माल को रिश्वत में हुक्काम के यहाँ झोंक दो, ताकि लोगों के माल में से जो कुछ हाथ लगे नाक खुर्द बुर्द कर जाओ, हालांकि तुम जानते हो। अगली आयत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। ऐ रसूल, तुमसे लोग चांद के बारे में पूछते हैं कि क्यों घटता बढ़ता है, तो कह दो कि उससे लोगों के दुनियावी अम्र और हज के अवकात मालूम होते हैं, और ये कोई भली बात नहीं है कि घरों के पिछवाड़े से फांद के जाओ, बल्कि नेकी उसकी है जो परहेजगारी करे, और घरों में आना हो तो उनके दरवाज़ों की तरफ से आओ
और अल्लाह से डरते रहो ताकि तुम मुराद को पहुंचो। अब ये क्या काम करते थे जो पीछे वाले दरवाजे से घुस के जाते थे अपने घरों में, इसके बारे में यहाँ नहीं बताया गया, लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो ऐसी गतिविधियाँ थी कि ये लोग आँख बचाकर चोरी चोरी पीछे के दरवाजे से जाते थे। लेकिन अब अल्लाह मियाँ कह रहे हैं कि तुम लोगों को ऐसा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अगर तुम सामने से भी जाते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारा कुछ मुझे एक्सेप्टेबल है। अब ये रोज़ा तोड़ना कब है, कब खाना शुरू करना है, उसके बारे में हमने देखा था आयत नंबर 187 में लिखा था, खाओ और पियो यहाँ तक कि सुबह की सफ़ेद धारी रात की काली धारी से आसमान पर पूरब की तरफ तक तुम्हें साफ नज़र आने लगे। अब एक क्लेम किया जाता है कि कुरान एकदम क्लियर, एकदम स्पष्ट इंस्ट्रक्शंस देती है, तो इसके बारे में एक इंसिडेंट हमें इब्न कथीर की जो तफसीर है उसमें देखने को मिलता है। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला का एक चेला था, उसे जब ये आयत सुनी कि रात की काली धारी और रात की सफ़ेद धारी आपस में मिल जाएंगे या तुम्हें फ़र्क दिखाई देगा तब तुम रोज़ा तोड़ सकते हो, तो कहता है कि उसने क्या किया, अपने तकिए पर एक काला धागा रखा और एक सफ़ेद धागा रखा और उन दोनों को रात भर देखता रहा, उनमें कोई चेंज नहीं आया। तो अगले दिन उसने मोहम्मद बिन अब्दुल्ला से जाकर कहा कि मैंने ऐसा किया था, मुझे तो उन दोनों धागों में कोई अंतर दिखाई नहीं दिया। तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला क्या आंसर देते हैं वो देखिए, योर पिल्लो इज़ वेरी वाइड इफ़ द वाइट एंड ब्लैक थ्रेड्स आर अंडर इट। तो उन्होंने बस उसे इतना कहा कि अगर वो सफ़ेद धागा और काला धागा तेरे तकिए के नीचे है तो तेरा तकिया बहुत ही बड़ा या चौड़ा रहा होगा। तो ये क्लैरिटी है कुरान के बारे में, ये उस समय की बात है जब लोग वही भाषा जानते थे जिस भाषा में ये नाजिल हुई थी और उन्हीं लोगों के बीच में नाजिल हुई थी। अब जो अंग्रेज़ी में वो बता रहे हैं, यहाँ हिंदी में तो उन्होंने धारी लिख दिया लेकिन अंग्रेजी ट्रांसलेशन में इसे थ्रेड कहा गया, धागा कहा गया है। अब एक और इंसिडेंट क्या है, When the following verse was revealed, eat and drink until the white thread appears to you distinct from the black thread and of dawn was not revealed, some people who intended to fast tied black and white threads to their legs and went on eating till they differentiated between the two. तो वो एक सफ़ेद धागा और एक काला धागा बांध लेते थे और तब तक खाते रहते थे जब तक उन दोनों का उनको डिफरेंस समझ में नहीं आता था, अंतर दिखाई नहीं देता था। इसमें एक और जो ऑब्जेक्शन कई लोगों के द्वारा उठाया जाता है वो ये है कि अब जैसे रमज़ान का जो महीना है वो शिफ्ट होता रहता है क्योंकि लूनर कैलेंडर, वो जो चंद्रगणना है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, तो हर साल जो रमज़ान का महीना है वो शिफ्ट होता रहता है और संसार भर में भी एक ही समय जब रमज़ान चल रही है तो ऐसा देखने को मिलता है। जैसे एक एग्ज़ाम्पल था, अभी कुछ वर्ष पहले ही जब रमज़ान का महीना चल रहा था तो ऑस्ट्रेलिया में एक दिन यानी सूर्योदय से सूर्यास्त तक का समय केवल 11 घंटे का था क्योंकि वहाँ पर सर्दी थी, और अगर आप उत्तरी ध्रुव के पास चले जाते हैं नॉर्वे या ऐसे किसी देश में तो वहाँ पर यही दिन 22 घंटे का हो जाता था। तो क्यों इस तरह की डिस्क्रिपेंसी है? अब हम ये जानते हैं कि जो ये कुरान की बात हो रही है ये सऊदी अरेबिया के रेगिस्तान की बात हो रही है, लेकिन क्या सारी दुनिया में इक्वली एप्लीकेबल है या बराबर है, इसके बारे में आप अपने आप निर्णय कर सकते हैं। इन सारी घटनाओं से आपको दो तीन चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। एक तो ये कि उस समय यानी आज से 1400 साल पहले जब मोहम्मद लोगों को रमज़ान मनाने को बोल रहा था तो तब भी लोगों में कोई बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं थी। दूसरा ये कि उस समय के लोगों के लिए शायद ये ठीक रहा हो लेकिन ये पूरे संसार के लिए तब भी सर्वमान्य नहीं रहा होगा क्योंकि सूर्योदय और सूर्यास्त पूरे संसार में अलग अलग समय पर होते हैं। और तीसरी चीज़, धरती पर ऐसे भी जगह हैं जहाँ पर तीन तीन महीने, चार चार महीने लगातार दिन रहता है या लगातार रात रहती है, तो यदि रमज़ान उस समय वहाँ पर आ जाती है तो कोई भी व्यक्ति केवल कुरान पढ़ के अगर रमज़ान को मानने लगेगा तो उसको बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इन सब चीज़ों से आपको कुछ क्लैरिटी हो जाएगी कि ये एक व्यक्ति के मन की उपज थी जिसे आज पूरे संसार में गलती से या कैसे भी माना जाता है। आज के लिए इतना ही, नमस्ते।